स्वागत है दोस्तों मेरे चैनल मिस्टर ब्लॉगर यूपी में। तो आइए दोस्तों आज हम ले चलते हैं आपको वाल्मीकि आश्रम जहां पर लव कुश जी का जन्म हुआ था। तो दोस्तों साथ में हैं कुछ लोग जो हमारे गांव के हैं और साथ ही साथ हम लोग चल रहे हैं वाल्मीकि आश्रम जहां पर सीता मैया पाताल में प्रवेश की थी। और रास्ते में पड़ता है एक नदी, उस नदी का नाम है सोनभद्र नदी। उस नदी को पार करने के पश्चात हम लोग नेपाल में प्रवेश करेंगे। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं हमारे साथ अधिक जनता आई हुई है जो कि राम भक्त है और वाल्मीकि आश्रम के दर्शन के लिए आए हुए हैं। ये रहा दोस्तों नेपाल का एपीएफ पोस्ट जो कि गेट के पास ही स्थित है। और आप लोग देख सकते हैं चारों तरफ बहुत ही घना जंगल है यार दोस्तों। और यहाँ पर देखिए जो कि बोर्ड लगा हुआ है वाल्मीकि आश्रम का जो कि नेपाल में पड़ता है। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए दबा के। तो फाइनली दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं वाल्मीकि आश्रम स्थल पर। चारों तरफ आप लोग देख सकते हैं पेड़ ही पेड़ है और बहुत ही अच्छा मौसम है, एकदम सुनहरा मौसम। तो दोस्तों मैं आप लोगों को इस स्थान की ऐतिहासिक जानकारी में बताना चाहता हूं। यह वाल्मीकि आश्रम है त्रेता युगीन आज से लगभग 17.5 लाख वर्ष पहले कहानी से जुड़ा हुआ है। ऐतिहासिक स्थल है, यह लव कुश का जन्म भी यहीं हुआ था और माता सीता जी धरती में समावेशित हुई थी। अश्वमेधा का घोड़ा यहीं पकड़ा गया था और जो रामायण लिखा गया था वाल्मीकि जी ने वह जगह यही थी। और यह लगभग 112 किलोमीटर का आश्रम जो फैला हुआ है। तो दोस्तों आप लोग अगर ये वीडियो देख रहे हैं, अगर अच्छा लग रहा है तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिएगा और जय श्री राम लिख के कमेंट बॉक्स को भर दीजिए और दबा के लाइक कीजिए, दबा के फॉलो कीजिए और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिए। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और ऐसे ही वीडियो को मैं लाता रहूँगा। आज वाल्मीकि आश्रम नेपाल, मैं आप लोगों को बता दूँ दोस्तों कि ये जो वाल्मीकि आश्रम है ये सोनभद्र तानभद्र नारायणी गंडक नदी के बीच में स्थित है और भारत और नेपाल के सीमा पर ही स्थित है। तो दोस्तों मैं अब आप लोगों को यहाँ की ऐतिहासिक स्थल दिखाता हूँ। ये दिख रहा है आपको, ये प्राचीन समय का जो हवन कुंड है जो कि माना जाता है 88,000 ऋषियों ने मिलकर इस हवन कुंड में यज्ञ किया था और यही हवन कुंड है जो कि आप लोग देख रहे हैं। तो चलते रहिए, अब हम आपको दिखाते हैं। अगर जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। तो दोस्तों यही सिलवट और लोढ़ा है जो कि माता सीता अपने मसाला पीसने का काम करती थी। और मैं आप लोगों को और कुछ दिखा दूं जो कि अश्वमेधा में जो लव कुश जी घोड़ा बांधे थे राम जी का, ये वही स्थान है और यही वही खूंटा है जिसमें लव कुश ने मिलकर अश्वमेधा घोड़ा को बांधे थे। दोस्तों मैं आप लोगों को एक और चीज़ दिखाता हूँ। ये जो आप लोगों को कुआं दिख रहा है, इस कुएं का नाम है अमृत कुआं। इसका जल एकदम अमृत के समान था और यहाँ पर ये कुएं को बंद कर दिया गया है। और चारों तरफ आप लोग देख सकते हैं जंगल ही जंगल है, एकदम हरी भरी झाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं। और ये रहा लव कुश जन्म स्थल जहाँ पर लव कुश का जन्म हुआ था, ये वही स्थल है जो प्राकृतिक स्थल है। और हमारे कुछ दूर पर हमारे दोस्त दिखाई दे दिए हैं जो कि बिछड़ गए थे, अब मिल गए हैं। जाना जरूर है। क्या पढ़ोगे? बोल बम। क्या लिखोगे? बोल बम। बोल बम। बोल बम। बोल बम। अब हम चलते हैं वापस दोस्तों। इसी के साथ मेरा ब्लॉग समाप्त होता है और इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। जय हिंद जय भारत।